आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मानव सेवा के क्षेत्र में रीना मुखी फाउंडेशन कर रहा है बेहतर कार्य। फाउंडेशन के अध्यक्ष कृष्णा मुखी के पिता स्वर्गीय भगत मुखी की स्मृति में चायवासा ब्लड बैंक में पहुंचकर टीम के सदस्यों ने किया रक्तदान। और अब खबर विस्तार से। हाल ही में गठित रीना मुखी फाउंडेशन सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। आज फाउंडेशन के अध्यक्ष कृष्ण मुखी के पिता स्वर्गीय भगत मुखी के पुण्यतिथि पर टीम के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चायवासा ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। कुल 9 सदस्यों ने किया रक्तदान। फाउंडेशन के अध्यक्ष कृष्णा मुखी ने कहा कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा के क्षेत्र में कार्य करना है और आगे भी निरंतर इस प्रकार का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मानव सेवा के क्षेत्र में सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सभी सदस्य को वे धन्यवाद देते हैं और भरोसा भी है कि आगे भी इसी तरह का प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। फाउंडेशन की ओर से भी कार्य करने की योजना बनाई जाएगी। सभी सदस्य के साथ बैठक कर आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। फाउंडेशन के सदस्य सह सदर प्रखंड के उप प्रमुख प्रेम पूर्ति ने कहा कि रीना मुखी फाउंडेशन को हर प्रकार से सहयोग करेंगे। मानव सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य जारी है। उन्होंने इसके लिए कृष्णा मुखी को भी धन्यवाद दिया। रक्त संग्रह करने में चायवासा ब्लड बैंक के हेड टेक्नीशियन मनोज कुमार एंड टीम जुटी थी। इन्होंने किया रक्तदान। मिलन कुमार गोप, राजेंद्र नायक, सबेहा खान, शंकर बानरा, वीर महतो, कृष्णा मुखी, प्रेम पूर्ति, उप प्रमुख सदर चायवासा और बिरसिंह बिरुली आदि।